रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझाए रहे। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। उनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो वैसे ये ब्रह्मा भी रूहानी बच्चे हैं।
शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा जब बोला तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में शिव बाबा कौन आया था? बिंदु को शिव बाबा समझ लिया, लेकिन बिंदु तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, बाबा तो हो नहीं सकता, दूसरा कोई संबंध नहीं जुड़ता जब तक वो ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश न करे। वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को रख तो चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ये रथ आर्गंस मिला हुआ है कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म करना होता है। वह है परम धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, वहां कोई कर्म करने की बात नहीं है। आत्मा ने अभी ये जाना है कि हमारा वो घर है शांति धाम, वहां ये खेल नहीं होता है। बत्तियां आदि कुछ भी नहीं होती, सिर्फ वहां आत्माएं रहती है। आत्माओं के प्रकाश से प्रकाशित रहता है, वहां से आत्माएं आती है यहाँ पाठ बजाने। तो तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है, जो भी एक्टर्स है उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम जानते हो यहाँ कोई साधु संताज नहीं समझाते हैं, यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। बेहद का बाप है, बेहद की गृहस्थी है, साधु संताज की बात नहीं है। यहाँ तुम बैठे हो जिसम को भूलते जा रहे हो। अब हमको वापस जाना है, और वापस जाने से पहले पवित्र भी जरूर बनना है। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, ये तो पतित दुनिया है, इस पतित दुनिया में तो शरीर पावन बनना है। आत्मा ही पवित्र बनती है, शरीर पवित्र तब बने जब पांच तत्व भी तत्व प्रदान हो जाए। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ करके पावन बन रही है, वहां नई दुनिया में तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ इस दुनिया में सब पतित है, सबके वाइब्रेशन गिरे हुए हैं, ढेर पतितों का संग आत्माओं को लगता रहता है। जो पवित्र सन्यासी बनकर बैठते हैं पवित्र रहने के लिए घर घाट छोड़कर, वो भी पवित्र अपवित्र वातावरण से बच नहीं सकते। तो यहाँ कोई पवित्र नहीं हो सकता। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पुराना शरीर छोड़ देती है,
पुराने शरीर से उपराम हो जाती है, शरीर का कोई ममत्व नहीं रहता, अटैचमेंट छूट जाता है, फिर नए तत्वों से नया शरीर बनता है। नए तत्व भी चाहिए और नया शरीर भी चाहिए। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है, याद करते हैं या नहीं करते हैं ये तो हर एक को अपने से पूछना। अभी टाइम बहुत है, ऐसे भी नहीं है कि पढ़ाई पूरी हुई है, नहीं, पढ़ाई का सारा मदार योग पर है। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, तो मुख्य है याद की यात्रा, और ये अंदर की गुप्त बात है, देखने में थोड़ा ही कुछ आता है। बाबा नहीं कह सकेंगे कि ये बहुत याद करते हैं व कम याद करते हैं, हाँ ज्ञान के लिए बता सकते हैं कि ये ज्ञान में बहुत सीखा है, याद का कुछ भी देखने में नहीं आता है। ज्ञान तो मुख से बोला जाता है, याद करना तो बुद्धि की बात है, ये तो अजपा जाप है, वो जाप अक्षर तो भक्ति मार्ग का है, जाप का नाम माना है कोई नाम जपना, यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है, जपने आदि की बात ही नहीं। जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम जाए पहुंचेंगे, ऐसे भी नहीं है इस ड्रामा से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, नहीं, मुक्ति का अर्थ है दुखों से मुक्त हो जाना। आत्मा शांत हो जाएगी फिर सुखधाम में आवेंगे। जो पवित्र बनते हैं वो सुख भोगते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं अपवित्र ही बनकर रहते हैं, तो आप पवित्र मनुष्यों की खिदमत करते, पवित्रता की ही मेहनत, इससे पवित्र बनने में ही मेहनत है। और पवित्र बनने के काम में ये आंख है सबसे ज्यादा धोखा देती, बाबा जानते हैं बहुत धोखा खाते, ब्राह्मणियां भी धोखा खा लेती है, इन आंखों से धोखा धोखा खा करके आखिर गिर पड़ती। ऐसे नीचे ऊपर तो सबको होना है, और ग्रहचारी सबको लगती है, वास्तव में दृष्टि को पवित्र बनाने की प्रैक्टिस तो सबको करना चाहिए, अपन को आत्मा समझना चाहिए, आत्मा समझने और समझाने की ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है, ब्राह्मणी को ही समझाना है,
बाबा बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर भी कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अभी माता गुरु का सिलसिला चलता है। आगे पिताओं का सिलसिला था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता था, यहाँ माताएं ही निमित्त बनती, और देखने में भी आता है माताएं मेजॉरिटी में है, पुरुष बहुत थोड़े हैं। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहलो, तो भक्ति मार्ग में जो राखी बांधते हैं वो पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं परंतु पवित्र तो बनते नहीं है, तो उसका बांधना करना आर्टिफिशियल हो जाता है। तो धागे की राखी कोई पावन बनाने वाली नहीं है, इसमें तो ज्ञान का धागा चाहिए, पवित्र दृष्टि चाहिए। तो अभी तुम सच्ची सच्ची राखी बांधते हो, अर्थ समझाते हो, समझते हो, ऐसी प्रतिज्ञा कराते हो, जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, वास्तव में उसका दिया है। पवित्र बनने का कंगन है, परंतु वह भी कोई पवित्र रहते नहीं है, पतित को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तुम लोग कोई शास्त्रों द्वारा पावन नहीं बना सकते, क्योंकि शास्त्र तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं, और मनुष्य सब पतित मन वाले, पावन दुनिया में, इस पतित दुनिया में पावन कोई भी नहीं है। सर्व का सदगति दाता शास्त्र नहीं हो सकते, पानी की नंदिया नहीं हो सकती, और कोई गुरु भी नहीं हो सकती, सर्व का सदगति दाता एक ही। जो कभी दुर्गति में जाता नहीं है सदाशिव कहा जाता है, सदैव कल्याणकारी है, अकल्याण कभी करता नहीं, तो भी वो कोई देहधारी नहीं है, अर्थात उसकी बुद्धि में कोई देह नहीं धरी हुई है, एक अटैचमेंट नहीं है। जिनकी बुद्धि देह की तरफ भागती है उनको कहेंगे देहधारी, उसको सदा निराकार निरंजन है। पानी की गंगा भी इन आंखों से देखने में आती है, बाप जो सदगति जाता है उनको इन आंखों से कोई नहीं देख सकता, ये तो स्थूल आंखें हैं। सदगति दाता बाप को
ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देखा जा सकता है। वो कहते हैं हम गुरु का दर्शन करके आवे, परंतु उसका तो दर्शन हो नहीं सकता। सुप्रीम आत्मा को कोई देख नहीं सकते। सुप्रीम की तो बात ही छोड़ो, आत्मा को भी कोई नहीं देख सकते। वो तो अंदर बैठी है, आत्मा निकल जाती है, बुद्धि से समझा जाता है, इन आंखों से निकलते हुए देख नहीं सकते। तो ये आत्मा बड़ी सूक्ष्म चीज है। शरीर तो देखने में आता है, ये आकाश आदि सब देखने में आते हैं, परंतु आत्मा देखने में नहीं आती। जो चीज आंखों से देखने में नहीं आती है, उसी को तीसरे नेत्र से याद करना। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं सब भस्म होने वाला है, सब कुछ विनाशी है जो आंखों से देखा जाता है। इसी का आत्मा वही अविनाशी, अविनाशी आत्मा का पाठ अविनाशी ज्ञान से, ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं। क्लास है 19 अगस्त 1967 बाबा सेमिनार की पॉइंट क्लास में सुनाए। सेमिनार में पॉइंट वही है जो सदैव चलते रहते, बच्चों की बुद्धि में है, हमको क्या समझाना है, क्योंकि मुख्य बात है ही समझाने की। बाप का परिचय देना है और 84 जनों की कहानी सुनाई है, सुनानी है। एक तीजरी की कथा भी सुनानी, सत्यनारायण की कथा ही है, तीसरे नेत्र के खुलने की कथा है, इसे अमरनाथ की कथा भी कहा जाता है। अमरनाथ एक ही है, एक ही की कथाएं भक्ति मार्ग में सुनाते आए हैं। अब बच्चों को सारा ड्रामा का पता चल गया। सतयुग त्रेता में देवताओं की राजाई है, वहां कथा स्तुति भक्ति आदि कुछ भी नहीं होती है। अभी पूछा जाता है किसकी भक्ति करते हो, राधा कृष्ण की भक्ति अक्सर करके सभी करते हैं, उनों की भक्ति होती है, शिव की भी भक्ति होती है। कृष्ण ने सत्यनारायण की कथा सुनाई, ये बात नहीं हो सकती। कृष्ण सत्यनारायण की कथा कैसे सुनावेंगे? क्योंकि जिन सत्यनारायण की कथा है वह तो कृष्ण को जन्म देते हैं, बच्चे के रूप में जन्म लेता है, वो बाप की कथा कैसे सुना देगा? हाँ, बड़े होकर उनको अपने बाप का टाइटल मिलता है, श्री नारायण बन जाता है, उन्हों को ये पता नहीं है। भक्ति मार्ग में जिन्हें राधा कृष्ण कहा जाता है,
वो बड़े होकर कैसे लक्ष्मी नारायण बनते? नहीं तो विचार उठे कि छोटेपन में इतनी चंचलता, फिर ज्ञान देवे, ये बात ही नहीं लगती। अब चंचलता तो संगम युग की बात है, कलयुग में तो देवताओं में कोई चंचलता होती ही नहीं है। और लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी है, जो राजा रानी है वो राजयोग दिखाई नहीं सकती। तो भक्ति मार्ग में मुझे हुए बहुत है, कृष्ण की आरती करते हैं तो कहते हैं जय जगदीश हरे, अब जगदीश कृष्ण है क्या? और हरे लोगों का हरण करना ये कृष्ण का काम है क्या? तो दुख हरता फिर कृष्ण नहीं हो सकता। समझते हैं कि कृष्ण ने दुख हरे, जब दुख पड़ता है तो देवताओं की पूजा करते हैं, तो तुम बच्चों को मालूम नहीं था शिव बाबा से क्या मांगना है। बात सब कुछ बच्चों को समझाते रहते, इतना सब कुछ समझाते हैं तो कृष्ण पूछने की ददकार ही नहीं रहती है। देवी देवता बनना है तो आसुरी गुण खत्म करना है, इसमें पूछने की क्या दरकार? मनुष्यों में अवगुण होते हैं, देवताओं में गुण होते हैं। मनुष्यों में अवगुण क्यों होते हैं? मनुष्यों में अवगुण इसलिए होते हैं कि उनका मन चंचल होता है और देवताओं का मन अचल होता है, चंचल नहीं होता है। तो देवताओं में गुण है परंतु देवताएं किसी को सिखा नहीं सकते। क्यों सिखाया? इसलिए नहीं सकते कारण तो चाहिए। डॉक्टर डॉक्टरी सिखाते हैं, इंजीनियर इंजीनियरिंग सिखाते हैं, तो देवताएं देवताएं क्यों नहीं सिखा सकते? देवताई पना इसलिए नहीं सिखा सकते कि जिस समय सिखाने की जरूरत होती है उस समय दुनिया में असुरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, देवताएं कोई होते ही नहीं है। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं परंतु आसुरी दुनिया जब तक खलास न हो तब तक देवता कोई बन न सके। देवताई पाठ पढ़ाने के लिए इस दुनिया का ध्वंस करने वाला भी चाहिए। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो नई दुनिया देखने में आएगी। पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया देखेंगे कैसे? पहले तो बुद्धि में बैठे
ये दुनिया भस्म होने वाली है। तो भस्म होने वाली दुनिया से ममत्व टूट जाना चाहिए, अर्थात जीते जीते अभिमान से मर जाना चाहिए। आप हुए मर गई दुनिया। तो ये देवताएं कोई दुख नहीं हर सकते। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के और कोई समझा नहीं सकता। और तुम ब्राह्मणों की पैदाइश होती है ब्रह्मा से। और ब्रह्मा कब कहा जाता है? मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो तुमको मिला है बाप समझाने वाला। कल पहले भी बाप ने समझाया था और अभी भी बाप समझा रही। इस प्रैक्टिकल बात की फिर कहानी बनती है। संगम पर हर बात होती है प्रैक्टिकल। फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ कथाएं बैठ सुनाते। सत्यनारायण की कथा सुना देंगे, परंतु नारायण कोई बनता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहानी सुनाते। कहानी सुनाने वाले लक्ष्मी नारायण भी नहीं। बुद्धि में पक्का बैठ जाना चाहिए। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता है। प्रदर्शनी में भी ये लिखना चाहिए, दुनिया का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आकर के यहाँ समझो। इतिहास कब कोई बता ही नहीं सकता कि देवताओं के पीछे से क्या होते थे। तुम जानते हो अब सचयुग आ रहा है, लड़ाई होगी। आगे क्या होगा वो कोई भी नहीं जानता। आज मजंत का राष्ट्र तुम संगम पर ही समझते। आकर के सच की आज मजंत की इसकी जाग्राफी समझो, चक्र को समझो। जो समझेंगे पूरा समझेंगे तो सतयुग का चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। सतयुग के लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। सत्य की आज मध्यंत को समझने से सत्य भी चक्रवर्ती विश्व के महाराजा बन सकते हो। ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। कैसे किसी को समझावे? सब तो नहीं समझेंगे। सत्य साहब को याद करेंगे तो उनसे सुख मिलेगा। सिखों में कहते भी हैं जप साहब। भक्ति मार्ग में तो नाम जाप करते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर, कर्तव्य की बात है। तो कर्तव्य को याद किया जाता है तो भक्ति मार्ग में नाम जाप करते हैं। काम के आधार पर नाम पड़े हैं। तो जिनको याद करते हैं
उन भगवान से सब प्रकार के सुख मिल सकते हैं। जब याद करें और मालूम है तो कुछ भी ना हो, न उनका नाम मालूम है, न रूप मालूम है, न देश का पता है, न कर्तव्य का पता है, तो याद करने से फायदा ही क्या हुआ? अभी तो प्रैक्टिकल बातें, बाप को याद करने से सत्यखंड स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। तो पहले जानना, पहचानना, फिर याद करना। बाप सत्यखंड स्थापन करने वाला है, सच्चा पाठशाह कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको रियल परिस्थान का मालिक बनाता हूँ, तुम परिस्थान की परी बन जाते हो। परिस्थान में परियां रहती हैं जो ज्ञान योग के पंखों से सदा उड़ती रहती हैं। परिस्थान में ब्यूटी होती है। अभी तो है कब्रिस्तान इस समय, वैसी नेचुरल ब्यूटी हो नहीं सकती है। माया ने सबको कब्र दाखिल कर दिया, सब आत्माएं जैसे मुर्दा बनी पड़ी। शास्त्रों में लिख दिया है कि जब विनाश बरपा होगा तो कब्र दाखिल आत्माओं को खुदा आकर के उठा देंगे। अब जानते भी है नहीं कि कब्र दाखिल कैसे होते हैं। आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है अर्थात कब्र दाखिल हो जाती है। तो टीचर्स तो नई दुनिया में बहुत अच्छे होंगे, दुनिया को परिस्थान नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी स्टेज में उड़ते नहीं है। ज्ञान योग के पंखों से ऊंचे उड़ते रहे, अवस्था कभी नीचे ना आए, एक रस अवस्था बनी रहे तो कहेंगे परिस्थान। ये सब बातें सुनना और सुनाना तुम्हारा धंधा है, और कोई इन बातों को समझेंगे नहीं। आत्मा प्योर नहीं है तो शरीर भी प्योर नहीं मिलता। जैसे जैसे आत्मा पवित्र बनती जाती है, वाइब्रेशन गंदे होते जाते हैं, वैसे वैसे शरीर भी अगले जन्म में जो मिलता है वो नीच परिवार में मिलता है। शरीर छोड़ने से पहले ही वाइब्रेशन का ढांचा तैयार हो जाता है, जिसके अनुसार बच्चे का शरीर तैयार होता है, स्थूल ढांचा तैयार होता है, निर्जीव पिंड तैयार होता है। शरीर छोड़ने वाले के वाइब्रेशन अपवित्र, और जितने परसेंटेज में अपवित्र उतना शरीर भी गलीज मिलता है,
और जितना पवित्र वाइब्रेशन होगा उतना शरीर भी पवित्र मिलेगा। अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, नंबर वार तो होते ही, तो पुरानी दुनिया में भी नंबर वार है और नई दुनिया में भी नंबर वार है। नई दुनिया में भी कोई साहूकार के यहाँ जन्म लेंगे, कोई राजा के यहाँ जन्म लेंगे, चांडाल के यहाँ जन्म लेंगे, तो अभी आत्मा को पवित्र बनाने की बात है। आत्मा पवित्र बनती है तो परमात्मा बाप के अंत को भी जान लेती, कोई चीज है और उसके अंत को नहीं पाया जाता तो वो चीज ही क्या काम की, हम क्यों याद करते हैं जबकि उसका अंत ही नहीं पाया जाता। अभी तुम कहेंगे हमने अंत पाया है, हम ईश्वर को जानते, ईश्वर का सही अर्थ क्या है वो हमने जाना है। ईश माना शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ। इस संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला कौन है उसको प्रैक्टिकल में हमने जाना है। ईश्वर के भी अंत को जानते हो, उनके पार्ट को भी जानते हो, तो देखो ये ज्ञान बहुत रमणीक है और गुह्य है। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर ऊंच से ऊंच धर्म की स्थापना करेंगे, नंबर वार धर्म है ना। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म है वो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, के बाद जो भी है वो सब नंबर वार द्वापर युग से आने वाले द्वैतवादी युग में उनकी शुरुआत होती है। अद्वैत युग में एक देवी देवता सनातन धर्म और द्वैत युग में अनेक धर्मों की स्थापना होती है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि, परंतु सूर्यवंशी राजधानी बात ही आकर के स्थापन करते हैं। चंद्रवंशी राजधानी स्थापन नहीं करते हैं? चंद्रवंशी राजधानी कौन स्थापन करता है? बाप तो कहते हैं मैं आकर के तीन धर्म स्थापन करता हूँ, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय। जो ब्राह्मण है पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं वो देवता कहे जाते हैं, और जो देवता बनते बनते फेल हो जाते वो क्षत्रिय कहे जाते। तो बाप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करते हैं, सूर्यवंशी धर्म बाप ने स्थापन किया। चंद्रवंशी धर्म कैसे स्थापन होता है, फेलियर कैसे बनते हैं,
जो नई दुनिया के फर्स्ट लक्ष्मी नारायण नर से नारायण बनने वाले हैं वो तो पूरे पास होने वाले हैं। वो भी 16 कला संपूर्ण और उनकी सारी प्रजा भी 16 कला संपूर्ण बनती है। वो भी गिरती कला वाले नहीं, ऐसी कला वाले चढ़ती कला वाले। फिर उनसे जो वंश की पैदाइश होती है वो गिरती कला वाली होती है या चढ़ती कला वाली होती है? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं ऊंच से ऊंच बाप जिन्हें नर से नारायण बनाता है, ऊंच से ऊंच विश्व का मालिक बनाता है, उन विश्व के मालिक से जो पैदाइश होती है, रचना तैयार होती है, वो गिरती कला वाली पैदा होती है या चढ़ती कला वाली? गिरती कला वाली होती है। और उत्तर उत्तर जितनी भी पीढ़ियां आती जाएंगी सब गिरती कला वाली होती जाएंगी। उन्होंने वो पुरुषार्थ कहाँ किया जो गिरती कला में जाकर के जन्म लेते हैं? और वो पुरुषार्थ किसने कराया उन्हें? बाप तो सूर्यवंशी बनाते हैं, सूर्य और सूर्यवंशियों को कलाओं में नहीं माना जा सकता। बाकी चंद्रमा को कलाओं में माना जाता है, जो भी चंद्रवंशी है सब कलाओं में आते हैं। तो जो कलाहीनता में आकर के पहला जन्म लेते हैं उन्होंने पढ़ाई किससे पढ़ी? जरूर संगम युग में जब बाप आया तो एक बाप को छोड़कर जरूर कोई देहदानी उससे पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दिया, उनके प्रभाव में आना शुरू कर दिया और बाप को छोड़ बैठे, बाप की पढ़ाई को छोड़ बैठे। ये बोला कि बाप ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन करते हैं और जो भी स्थापना होती है और धर्मों की उनकी स्थापना के निमित्त कोई और बन जाते हैं। ये सब पुरुषोत्तम संगम युग को कोई नहीं जानते। जहां उत्तम से उत्तम पुरुष अर्थात आत्माएं तैयार होती है, पौने 16 कला, 14.5 कला या 15.5 कला आत्माएं तैयार नहीं होती। कैसी आत्माएं तैयार होती है? 16 कला संपूर्ण आत्माएं तैयार होती है। सब पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नहीं होते, यथा राजा तथा प्रजा। वो एक ही डायनेस्टी है जहां के लिए गायन है यथा राजा तथा प्रजा। परिवार में जो भी 4.5 लाख का परिवार होगा सबकी पक्की आर्थिक दृष्टि होगी, न कोई किसी को ऊंच दृष्टि से देखेगा न कोई नीचे दृष्टि से देखेगा। पद होंगे लेकिन सब आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। उन बच्चों को ये सब बातें बतानी होती है, पुरानी दुनिया का विनाश
और नई दुनिया की स्थापना। नई दुनिया 16 कला संपूर्ण बनने वालों की होगी। सम कला का जो पुरुषार्थ करते हैं, कमजोर गुरु जो धारण करते हैं, वो पूरे 84 जन्म नहीं ले पाते। जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते, वो कुछ न कुछ पुरानी दुनिया में आते। जो भी पुरानी दुनिया में आने वाले हैं, उन सब का विनाश हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी ये शरीर रूपी नहीं है, ये डूबने वाली नहीं है, पार जाएगी। तो तुम्हारे लिए ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का पुरुषोत्तम संगम है। बाप को भी संगम पर ही आना होता है। कौन से संगम पर? पुरुषोत्तम संगम पर आना होता है। पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत हुई और बाप की प्रत्यक्षता की शुरुआत भी होना शुरू हो जाती है। आगे चलकर सभी को पता पड़ेगा। पुरुषोत्तम कौन कौन है? नंबर वार बच्चों को खुशी भी होती है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनकी खुशी जाती होगी, जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं उनकी खुशी भी कम होती जाती है। कम पढ़ने वालों को कम खुशी होगी और जाती पढ़ाई पढ़ने वालों को जाती पढ़ाई का नशा रहेगा। अच्छा, बच्चों को बुलाएगा।